दोस्तों, सीरियल्स पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अभिनेत्री दृष्टि धामी से अनजान हो। यही तो है वो टीवी इंडस्ट्री की मल्टी टैलेंटेड अदाकारा जिन्होंने कभी गीत हुई सबसे पराई सीरियल से गीत मान खुराना बनकर लोगों का दिल जीता, तो कभी मधुबाला सीरियल में मधुबाला के किरदार से दर्शकों को लुभाने में कामयाब रही। पर अफसोस, एक से बढ़कर एक सीरियल देने वाली अभिनेत्री दृष्टि धामी ने अपनी लाइफ में एक इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से इनका करियर खराब हो गया और यही वजह है कि आज ये किसी भी सीरियल में नजर नहीं आती। तो आखिरकार कौन सी बड़ी गलती कर दी दृष्टि धामी ने जिससे उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो गया? अगर आप भी इस पूरे माजरे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। टीवी की पॉपुलर अभिनेत्री दृष्टि धामी ने अपने डेब्यू सीरियल दिल मिल गए में डॉक्टर रुद्रमा के किरदार को निभाकर हर एक शख्स को अपना दीवाना बना दिया। यही वजह रही कि सीरियल के बाद से इन्हें लगातार टीवी के कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिला जिनमें गीत हुई सबसे पराई, मधुबाला और एक था राजा एक थी रानी जैसे सीरियल्स शामिल है। इन सभी सीरियलों में एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू के किरदार को निभाकर ये सबकी चहेती अभिनेत्री बन गई। इनफैक्ट मधुबाला शो में इनकी और आरके की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि इस सीरियल ने इन्हें टीवी की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार कर दिया और इसी दौरान इन्हें कलर्स के एक शो का ऑफर आया जिसका नाम था सिलसिला बदलते रिश्तों का, जिसे इन्होंने हंस हंस के स्वीकार कर लिया। पर इन्हें क्या पता था कि जिस सीरियल को ये काफी खुश होकर स्वीकार कर रही हैं, वो इनके लिए इतना घातक साबित होने वाला है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीरियल था जिसने इनके करियर को अर्श से फर्श पर खड़ा कर दिया, क्योंकि सिलसिला बदलते रिश्तों का शो एक ऐसा शो था जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में दिखाया गया और इस शो में अभिनेत्री दृष्टि धामी ने अब तक के हर किरदार से हटकर किरदार निभाया जिसमें इनका किरदार एक ऐसी लड़की का था जो किसी शादीशुदा मर्द से अफेयर रखती है और एक लड़की के बसे बसाए घर को बर्बाद कर देती है। बस इसी शो में उनके नकारात्मक किरदार को देख फैंस काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि सीधी सादी दिखने वाली दृष्टि धामी कभी किसी के घर को तोड़ सकती हैं। जहां एक तरफ इन्होंने फैंस के दिलों में एक सीधी सादी लड़की यानी मधुबाला की छवि बनाई, तो वहीं दूसरी तरफ इस शो में काम करने के दौरान इनकी ये इमेज इतनी ज्यादा डाउन हो गई कि लोग इन्हें घर उजाड़ने वाली सौतन कहने लगे। बस क्या था फिर, इस शो के दिन प्रतिदिन टीआरपी गिरती गई और आखिरकार ये शो एक दिन ऑफ एयर हो गया, जिसके बाद इन्होंने तमाम कोशिशें की, अदर सीरियल्स में ट्राई किया, पर अफसोस निराशा के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला और आज आलम ये है कि ये बेरोजगार हैं और अपने घर पर समय काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई दृष्टि धामी सिलसिला बदलते रिश्तों का के प्रपोजल को स्वीकार ना करती तो आज उनका करियर इंडस्ट्री में किस लेवल पे होता और क्या दोबारा से इन्हें चांस मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।